खेरा पुलिस ने एक माह पहले सिपाही द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में सिपाही की पत्नी जो खुद महिला कांस्टेबल है वह उसके तीन भाइयों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। सिपाही जितेंद्र कुमार ने चौकी के पास अपनी निजी कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब मृतक सिपाही जितेंद्र के भाई ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट कराई है कि मृतक जितेंद्र की पत्नी सरिता जो बिसलपुर थाने में सिपाही पद पर तैनात है और उसके तीन भाई घरेलू कलह करते थे जिसके चलते जितेंद्र ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने से पहले सिपाही जितेंद्र ने फेसबुक लाइव करके आत्महत्या की बात भी कही थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक की सिपाही पत्नी व तीन भाइयों के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई कर रही है? एक कांस्टेबल है जिनकी पिछले महीने जिन्होंने अपने आप को गोली मार के सुसाइड किया था, जिसमें इनके परिवार जनों की तरफ से पहले भी एक तहरीर दी गई थी, अभी दोबारा उन्होंने एक फ्रेश एप्लीकेशन इसमें दी है और इनके आधार पे इनकी पत्नी और इनके मायके वालों कुछ परिवार जनों के खिलाफ एक FIR पंजीकृत की गई है। देखेंगे इसमें हमारे पास जो भी तथ्य है, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।